आप जब ये वीडियो का थंबनेल देखे होंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि आखिर हमने ऐसा क्यों लिखा है, पर आप यकीन मानिए कि इस थंबनेल के जरिए व्यूज बटोरना या किसी को ऐसे ही बदनाम करना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं था। बल्कि हर्ष मंदर नाम के एक बेहद रिस्पेक्टेड पर्सन ने वो काम किया है जो हम या आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए ऐसा थंबनेल हमें देना पड़ा। कौन है ये हर्ष मंदर और क्या इन्होंने किया है, इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हर्ष मंदर देश का एक नामी चेहरा है, सब जानते हैं। पूर्व आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, फिलहाल अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता ये बताते हैं। हालांकि कांग्रेस से जो इनके कनेक्शन है वो किसी से छिपे नहीं है। मंदर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं, जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी थी। चर्चाओं में क्यों आए हैं ये? असल में इनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें मंदर भीड़ को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अब फैसला संसद या सुप्रीम कोर्ट में नहीं सड़कों पर होगा। मंदर वीडियो में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या और कश्मीर के मामले में इंसानियत और सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की है, इसलिए लोग अब सड़कों पर अपने भविष्य का फैसला करेंगे। आप ये वीडियो देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से, एनआरसी के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं? ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा, लेकिन उस और हम लोग सब सड़कों पर निकले हैं। इस वीडियो को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शेयर किया है। दिल्ली के दंगे भड़काने में प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा जैसे लोगों को जिम्मेदार बता रहे हर्ष मंदर खुद इतने खतरनाक मंसूबे रखते होंगे, इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा होगा। पर चलिए कोई बात नहीं, हर्ष मंदर अकेले इसके जिम्मेदार नहीं है। आजकल तो देश पे वैसे भी इस चीज का धड़ल्ले से चलन हो गया है। शाहीन बाग वाले संविधान की बात करके बिना परमिशन के रास्ता रोके बैठे हैं। जाफराबाद में पहले मेट्रो और फिर सड़क को जाम करने वाले संवैधानिक हो गए हैं, और पुलिस को अल्टीमेटम देने वाले कपिल मिश्रा दंगाई हो गए हैं। संविधान की बात करके कन्हैया कुमार जेएनयू में भारत की बर्बादी के नारे लगवा देता है। संविधान की ही बात करके कुणाल कामरा, आकाश बनर्जी जैसे लिबरल वामपंथी पीएम मोदी को गली का लोंडा समझ के गरिया देते हैं, उन्हें खूब गालियां देते हैं। गधा जैसे शब्दों को भी धड़ल्ले से वो अपनी वीडियोज में यूज करते हैं। कुल मिलाकर कहें तो संविधान में यकीन रखने की बात करने वाले लोग ही जब इस तरह की बातें करते हैं तो अब अजीब नहीं लगता, क्योंकि हम सब अब ऐसे लोगों को लगातार देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। पर दुख इस बात का होता है कि मंदर जैसे पढ़े लिखे लोग भी जब इस तरह की बकवास बातें करते हैं ना, तो यहां पीड़ा होती है। लगता है कि इतने पढ़े लिखे होने का भी फायदा क्या है जब आप देश को एकजुट ना कर सकें, देश को शांत रहने की अपील ना कर सकें, देश को संयम बरतने की अपील ना कर सकें। वैसे मंदर का ये जो बयान है ये अकेला नहीं है, इससे पहले भी वो कई दफा विवादों में घिर चुके हैं। इससे पहले मई 2019 में उनके बयान पर तब हंगामा मचा था जब इंदौर में हुए कार्यक्रम में मंदर ने कहा था कि 2014 के बाद दिखी लिंचिंग की घटनाएं भाईचारे की राह में एक रोड़ा है। एक दंगे में इमाम का बच्चा मारा गया, लेकिन उसने शांति बनाए रखी, पर आसानसोल में कुछ तत्वों ने स्थानीय लोगों से कहा कि रामनवमी नहीं मनानी है तो पाकिस्तान चले जाओ। पीएम मोदी भी मन से ताना दे ही चुके हैं, तो क्या अब वोट मुस्लिम और ईसाइयों को मांगने जाना पड़ेगा? मंदर की इन बातों का तब काफी विरोध हुआ था और कई लोगों ने उन्हें टोकते हुए पूछा था कि वो कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर क्यों मौन है, जब पूरी जमात को अत्याचार पूर्वक वहां से बेदखल कर दिया गया। क्या ये किसी लिंचिंग से कम था? पर इस बात का जवाब, यानी इंदौर के लोगों की जो बात थी उसका जवाब मंदर के पास नहीं था। बस मंदर मन छोड़ के उसके बाद वहां से निकल लिए थे। मंदर की भड़काऊ भाषण देने वाली वीडियो जब सुप्रीम कोर्ट गई तो कोर्ट की तरफ से भी उनको लताड़ दिया गया। असल में मंदर बीजेपी के तीन नेताओं अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा के खिलाफ भड़काऊ भाषण को लेकर एफआईआर की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
पर जब कोर्ट को हर्ष मंदर द्वारा लोगों को भड़काने का वीडियो मिला तो बस कोर्ट हो गई गुस्सा। कोर्ट ने हर्ष मंदर को फटकार लगाते हुए उनकी याचिका पर सुनवाई करने से साफ मना कर दिया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने कहा कि आपकी याचिका पर तब तक सुनवाई नहीं होगी जब तक कि न्यायपालिका को लेकर की गई आपके बयान का मामला जो है वो सुलझ नहीं जाता। सीजेआई ने नागरिकता कानून को लेकर हर्ष मंदर के बयान का हवाला देते हुए कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दिया है, हम अभी आपको नहीं सुनेंगे। अगर हर्ष मंदर को सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा लगता है तो पहले इस पर फैसला होना ही चाहिए। अब आप क्रोनोलॉजी को समझिए कि जो व्यक्ति एक तरफा संविधान का राग अलापता फिरता हो और दूसरी तरफ देश की संसद से भारी बहुमत से पास हुए एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पब्लिक को सड़क पे उतरने की धमकी देता हो, वो वाकई कितना संवैधानिक होगा, देश को कितना प्यार करता होगा, देश की एकता अखंडता को लेकर कितना गंभीर होगा, इसका अंदाजा मुझसे बेहतर आप लगा सकते हैं। देश के संविधान ने सबको अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है, सबको कहा है कि आप बोलिए, लेकिन संविधान की आड़ में देश को तोड़ने वाले बहुत सारे लोग हमारे और आपके आसपास जमा हो गए हैं। जरूरत इनको पहचान कर इनका बहिष्कार करने की है, वरना पुलिस को अल्टीमेटम देकर जनता का रास्ता खुलवाने वाले कपिल मिश्रा जैसे लोग बेफजूल में सवालों का सामना करते रहेंगे और अपने आप को बुद्धिजीवी दिखाकर मंदर जैसे लोग बचते रहेंगे। बाकी मंदर के बारे में, हर्ष मंदर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे तो ललित और मेरा नाम है माना, वीडियो आपने देखे इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया।